किसान भाइयों नमस्कार। पोर्ट्रे विधि से यहाँ पर ये दिखाया गया है जो सिंगल बट कटर है, इससे गन्ने को बड़ी आसानी से काट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए ले जाते हैं। बीज का जो हिस्सा है उसको निकाल देते हैं और आँख की दोनों तरफ से बराबर काट देते हैं, जिससे जब पोर्ट्रे की कैविटी में इसको रखें तो रखने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बहुत आसानी से इसको दो तरफ से काटा जा रहा है, और ऐसे कटर भी आते हैं जो एक साथ ही दोनों काट देते हैं। और इस सिंगल बट को एक पॉलीथीन बैग में रखा गया है, फिर इसको बायोस्टीन के सॉल्यूशन में देखिए भिगो कर निकाला गया है, जिससे एक एक बट को अलग से निकालने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है और एक साथ सभी बटों का ट्रीटमेंट हो जाता है। एक बीघे में लगभग 1000 या एक एकड़ में करीब 5-5.5 हज़ार बड़ इस तरीके से लगती हैं, और ऐसे आप इनको काट सकते हैं। ये लोकल लेवल पे बनाया गया बट कटर है, जिसमें बहुत आसानी से ये बट को काट सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों तरफ बराबर बट कट जाए, और बीच का जो हिस्सा गन्ने का है इसको आप अपने किसी काम में ले सकते हैं, चीनी मिल को सप्लाई कर सकते हैं, या इसको आप कूड़ वगैरह बनाने के काम में भी ले सकते हैं। और इस तरीके से लगभग एक गन्ने में 20 से 25 बड आपको तैयार हो जाती हैं। बीज बढ़िया होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बीज का चयन हमारे किसान भाई ने किया है, और ये कोकोपिथ है, साथ में पोर्ट्रे हैं, इनकी फिलिंग ऐसे तैयार की गई है। और कोकोपिथ को पहले भिगोना पड़ता है, और भिगोने से उसका वेट भी बढ़ जाता है और उसका साइज भी बढ़ जाता है। और इन सिंगल बड को अगर आप डैम्प कवर में रख दें तो इस तरीके से जड़ों का फुटाव हो जाता है। यहाँ पर देखा आपने कैसे पोर्ट्रे को पॉलीथीन से ढका गया, जिससे अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। 4-5 दिन में इसमें जड़ें निकल आती हैं और आँखें भी निकल आती हैं, और इस तरीके से हमारी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। और इसकी पिंचिंग कर देते हैं, ऊपर से पत्तियों को काट देते हैं, फिर इसकी हम रोपाई खेत में कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बुग्गी के माध्यम से अपने खेत में पोल्ट्री को एक साथ उठाकर ले जा सकते हैं, और लगाने के बाद तत्काल अगर पानी लगा दें तो जल्दी ये पकड़ लेती हैं, ज़मीन में बैठ जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से नर्सरी को तैयार किया गया है, सारे पौधे जम गए हैं, जड़ें चारों तरफ रहती हैं। जैसे ही आप पौधे को पकड़ कर खींचेंगे ये पौधा निकल आता है, जड़ों के साथ में कोई जड़ इसकी टूटती नहीं, जिसके कारण कोई मोर्टिलिटी नहीं होती, पौधा मरता नहीं है। खेत में जैसे ही हम लगाते हैं लग जाता है। बस ये ध्यान रखें स्वस्थ गन्ने उनका चयन करें। इस तरीके से आप ट्रे को ऊपर नीचे रख सकते हैं, और रखने के बाद पॉलीथीन से ढक दें। ढकने के बाद 4-5 दिन में इस तरीके से जड़ें निकल आती हैं और आँखें भी निकल आती हैं। फिर ऐसे ही आप निकाल करके पौधे को और ज़मीन में लगा सकते हैं। देखें आप कितनी ज़्यादा मात्रा में जड़ें निकली हुई हैं। अगर आप इस कंडीशन में इसको ना बोएं, वैसे बो दें तो इतनी जड़ें नहीं निकल पाती हैं। ये देखिए 25-30 दिन में पौधे जो लगाए गए थे उसमें ट्रे के साथ साथ में कुछ और टिलर्स भी निकल आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नर्सरी तैयार हुई है। और इसमें रोपाई करने के बाद टिलरिंग बहुत जल्दी होती है, इससे बीज की भी बचत आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये काटने का तरीका दोबारा दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गन्ने के टुकड़ों को काट करके, और इस ट्रे में पीछे भी दिखाया गया था इस वीडियो में, लेकिन अभी फिर दिखाया जा रहा है, जिससे आप समझ लें कैसे बट को काटना है। और ये हमारे किसान बेनीवाल जी हैं, शोभित मलिक जी के मित्र हैं, इन्होंने इसको प्रयोग किया है, और साथ ही में कुसाग्र जी नजीबाबाद के हैं, उनके कुछ इसमें फोटोग्राफ पड़े हुए हैं, इन्होंने पोर्ट्रे से भी गन्ने की पौध तैयार की है। ये देखिए फिलिंग मटेरियल ये कुसाग्र जी का है, यहाँ पर पहले थोड़ा सा फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं और उसके बाद इस तरीके से स्टैकिंग कर देते हैं, एक के ऊपर एक ट्रे रखने के बाद फिर पॉलीबैग से इसको ढक करके, और आसानी से आप पौध को तैयार कर सकते हैं। पौध तैयार करने से ये फ़ायदा है कि अगर हमारी धान की कटाई देर में हो रही है तो इस पौध की हम रोपाई करके, और जो अर्ली प्लांटिंग का एक फ़ायदा मिलना चाहिए गन्ने का, जाड़े से पहले प्लांटिंग हो जाए, वह फ़ायदा हम ले सकते हैं।
और ये पौध हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, तो जो मॉडलिटी रहती है वो नहीं रहती है। और साथ ही में पौध में एक ओज रहता है, एक रूपता रहती है। अगर खेत में हम सीधे गन्ने की बुआई करते हैं तो कुछ पौधे पहले जमते हैं, कुछ बाद में जमते हैं, लेकिन जो हमारी पौध हम तैयार करते हैं ये एक साथ तैयार होती है, सारे पौधे एक लंबाई के हो जाते हैं। और इनको जब हम खेत में लगाते हैं तो फसल हमारी एक जैसी होती है। जो टिलर्स होते हैं उनकी आयु समान होती है, लंबाई और जो वजन है वो भी बराबर होता है। और एक निश्चित जियोमेट्री में हम पौधों को लगा करके और बराबर रोपाई से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रे में, ट्रे से निकालने के बाद, पॉलीथीन हटाने के बाद, आप हल्का पानी, यहाँ हालांकि इन्होंने स्प्रे का इस्तेमाल किया है, बहुत हल्का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि जड़ें कहीं से ख़राब ना हों। और दोबारा यहाँ पर दिखाया किस तरीके से सिंगल बल्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं और बहुत जल्दी काट रहे हैं गन्ने के टुकड़ों को, बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है। ये हालांकि आप लोकल लेवल पे इस कटर को बनवा सकते हैं और कोई भी किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे पौध तैयार करके गैप फिलिंग कर सकते हैं, साथ ही में सीधे रोपाई भी कर सकते हैं। तो चाहे लेट प्लांटिंग हो तब भी कर सकते हैं, और चाहे आपको अर्ली प्लांटिंग करनी हो, अगर बारिश बहुत हो रही है वैसी दशा में भी आप छायादार स्थान पे बहुत तैयार कर लें, और बारिश होते समय भी आप प्लांटिंग कर सकते हैं। और वैसे अगर हम खेत की बुआई करते हैं तो ये काम जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमारा नुकसान होने की संभावना रहती है, लेकिन पौध तैयार करके हम पौध की रोपाई कर दें तो बारिश अगर हो भी जाती है तो उसका नुकसान नहीं होता है। ये जिसमें जमाव हो गया वो आपको दिखाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।